देखिए, सहायता पहले भी मैं बंगाल में बंगाली मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा चुका हूँ कि कैसे तृणमूल के लोग इस जो ममता बनर्जी की जो ये है प्रोजेक्ट है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पॉकेट भरने के लिए। इसमें मैंने एक असेंबली का उदाहरण दे के दिखाया था कि जिसका जमीन कम है वो जमीन ज़्यादा दिखा के, क्योंकि पर एकड़ के हिसाब से पैसा मिलता है, लोग पैसा ले रहे हैं और पैसा लूट रहे हैं। ये किसानों के लिए नहीं, ममता बनर्जी ने अपने कैडरों को पैसा देने के लिए, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, मारपीट किया बीजेपी के लोगों के साथ, इसके लिए उनको पुरस्कृत कर रही है। वायनाड में अभी राहुल गांधी जो है वो संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि मैं किस सीट पर रहूंगा, ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूंसी को से कुछ मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। खुश अगर प्रियंका वहां से कंटेस्ट करती है वाराणसी से तो डेफिनेटली वो जीती, यानी कि पीएम जो है वो 2 से 3 लाख वोटों से हारते हैं। देखिए, इस बार वो लकीली 2 सीट से जीत गए थे, पिछली बार तो 1 में हार गए थे, एक बार और 1 में जीते थे, वायनाड से जीते थे, रायबरेली से हार गए थे, तो इस बार जीते हैं दोनों से, तो बड़े बड़े बातें ढींगे हाँकेंगे, अगली बार आने दीजिए, अगली बार दोनों से हराएंगे। जम्मू कश्मीर में जो अटैक्स हो रहे हैं तो अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि हमको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, क्योंकि जो फाइट लगातार हो रही है, जो गोलाबंदी जो हो रही है उससे सॉल्यूशन। देखिए, 70 सालों तक तो हमने बहुत सारी बात किया, तब क्यों नहीं सोल्यूशन निकला? इससे पहले तो बहुत लोग बात किए ना, नेहरू जी जैसे लोग बात किए, अटल जी जैसे लोग बात किए, तब भी तो सोल्यूशन नहीं निकला ना। तो आप एक तरीके से सोल्यूशन नहीं निकाल पाए तो दूसरा तरीका 70 साल कम से कम चलने दीजिए, उसके बाद देखेंगे, तीसरा कोई तरीका निकालने चाहिए। ये सब जुडिस मैटर है, मैं इस पे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मोदी जी पर भरोसा रखिए, मोदी जी अल्टीमेटली सही दिशा दिखाएंगे। Thank you.